भले ही राज्य में कांग्रेस के अंदर भी अंतर्कलह चल रहा है, मगर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को विश्वास है कि 2019 और 2022 के चुनाव में देश और प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसके लिए वो जी जान लगाने के लिए तैयार हैं। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि प्रदेश की जनता का भरोसा भाजपा और अन्य पार्टियों से उठ गया है। एक बार फिर से जनता कांग्रेस के साथ जुड़ रही है, जिसका फायदा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में मिलेगा। साथ ही एक बार फिर से इंदिरा ने दलित राग छेड़ते हुए कहा कि दलितों की अनदेखी करने वाली भाजपा सरकार और आरएसएस का अब दलित प्रेम जागा है। दोनों ही दलितों के हक में बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा सरकार सही में दलित हितैषी है तो उनके हक में अध्यादेश लाए ताकि दलितों की सुरक्षा हो सके। भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस चीफ ने कल बयान दिया, आज चीफ को भी चिंता हो गई इस समाज की और एक्ट इनके खिलाफ बना। सरकार को अधिकार है अध्यादेश लाए और इनकी सेवाओं की सुरक्षा करे। अध्यादेश तो लाए नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी नहीं इन्हें, तो इस समय ऐसे में ये अपेक्षा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से कि वो मजबूती से इन्हें संरक्षण दे। उसे मजबूती से संरक्षण देने के लिए मैं यहाँ हूँ। देखिए ऐसा है, हम कोई दावेदार हो ही नहीं सकते। मुझे नहीं पता, उन्हें मुझसे ज़्यादा ज्ञान है कम नहीं। दावेदारी तय करेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड और स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड। जो जीत सकेगा वही कैंडिडेट बनेगा और इसको तय करने का सर्वे हाईकमान के द्वारा प्रारंभ हो रहा है। उस सर्वे के आधार पर जो निकल कर आएगा उसमें तय होगा। मेरी कोई दावेदारी नहीं है, जिनकी दावेदारी उन्हें मैं रोक नहीं सकती। आज न्यूज के लिए नैनीताल से कांता पाल की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।